हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आज स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग हैं रुके भरतपुर में एक होटल में, और यहाँ से हम लोग निकलेंगे जयपुर के लिए। अभी सुबह के जो है 7 बज रहे हैं, सब लोग अभी सोए वगैरह हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सोए हैं। ए गल्लो, जल्दी नहाओ, ठीक है? और यहाँ पे बाकी सब लोग अभी नहाने वहाने जा रहे हैं। हाँ बताओ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी जल्दी नहाओ भाई, निकलना है ना। आज निकलेंगे हम लोग जयपुर की तरफ, और आज जो है भानगढ़ का किला हम लोग घूमेंगे, सबसे हॉन्टेड प्लेस जो है इंडिया का। भाई मजा आने वाला है, उसी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हाँ पूरा देखो ना, यहाँ पे हम लोग रुके थे। कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का भी दिखाता हूँ। मार्केट था यहाँ पे, ये देखो, देख रहे हो, ये था बाहर का व्यू। आज मतलब थोड़ा ठीक है, हम लोग सिटी में रुके। आज जो है वो गाय भैंस नहीं दिख रही है। तो गाइस यही सब है, आप चलते हैं ब्लॉग में, बने रहिए। आप सबको दिखाऊंगा किला, जयपुर में घूमूंगा। जयपुर में हवा महल है ना। हाँ। हम लोग जयपुर में चलेंगे, हवा महल घूमेंगे, मतलब जयपुर का जो है और राजस्थान में भी घूमेंगे सब कुछ। मतलब मजा आने वाला है आज का ब्लॉग, इसी के लिए तो भाई वेट कर रहा था मैं। और ये था अपना छोटा सा रूम। कौन नहा रहा है? सोनू। तो गाइस हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे जयपुर की तरफ। देखते हैं कितना यहाँ से दूरी है और कितना टाइम लगता है। सब लोग रेडी? जल्दी वहाँ से हटो। कोई सामान छूटा नहीं है ना रूम में? लग रहा है जैसे बिग बॉस में जा रहा है। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। तोप है, उसमें डाल के ना उड़ा देंगे तुमको भाई। बच के रवि। बाकी सिक्योरिटी के लिए परमानेंट सिक्योरिटी। चलते हैं, बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी। मॉर्निंग व्यू देखो गाइस। तो गाइस ये देखो, हमने डाला है भानगढ़ फोर्ट, और ये तकरीबन 11:22 11:30 तक वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और किलोमीटर जो है 155 किलोमीटर यहाँ से है। तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग जा रहे हैं भानगढ़। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है भाई, एक नंबर भाई। वहाँ पता है 6 बजे के बाद बंद हो जाती है किला। वहाँ पे डरावनी आवाजें आती हैं। तो वो आवाजें मुझे देखनी है कहाँ से आती हैं। अरे जब पता चलेगा कहाँ से आती है ना भाई। देखने तो जा रहे हैं भाई। नहीं मतलब काफी, मतलब इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस में से एक है भानगढ़ का किला। हॉरर है क्या? अरे भाई पूछो मत, फुल्ली मतलब एकदम वीरान। 6 बजे के बाद वहाँ बैन लग जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई अंदर नहीं जाएगा, एकदम रियल बात है ये। तो आज चल के थोड़ा उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे हर एक कोना कोना, जगह जगह की आखिर मिस्ट्री क्या है उसकी, ठीक है? जब डरोगे भाई ना तब पता चलेगा। ब्लॉग में काफी गाइस मजा आने वाला है, मतलब काफी सस्पेंस। हमें ऐसी चीजें देखने में घूमने में बहुत मजा आता है जहाँ पे कुछ मिस्ट्री छुपी हो। तो अब चल रहे हैं भानगढ़ के किले, मतलब नाम ही भाई है उसका भानगढ़, समझ रहे हो? मतलब नाम में एक मजा आ रहा है, एक डर आ रहा है। तो नाम सुन के चलते हैं, देखते हैं वो किला कैसा है, क्या है वहाँ का माहौल, कैसी आती है वहाँ की वाइब। कहीं नेगेटिव तो आती नहीं है, या फिर कहीं पॉजिटिव तो नहीं आती है। चलते हैं सब कुछ वहाँ पे देखते हैं। बाकी उन लोगों का तो अभी पता नहीं चल रहा है दूर दूर तक कितने गए। तो गाइस यहाँ से पता है भानगढ़ का किला सिर्फ है 50 किलोमीटर। अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं, दूसरी वाली गाड़ी जो है वो पीछे काफी हो गई, तो उसका वेट कर रहे हैं। 50 किलोमीटर है भाई, तब तक हो रेला। फाइनली गाइस आ गए। तो गाइस हम लोग जो है राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ से जो है अभी देखते हैं, बस 20 किलोमीटर बचा है हमारा भानगढ़ का किला। तो गाइस देख रहे हो ये रास्ता।
रास्ता जो है वो भानगढ़ किले की तरफ चला जाएगा। यहाँ से अभी जो है कि 10 किलोमीटर दूर है, और अभी से ही जो देख सकते हो कैसी वाइब आ रही है इधर, एकदम जो है सुनसान वीराना टाइप। ये देखो, अरे भाई ये आत्मा तो नहीं? नहीं भाई, भानगढ़ फूड प्लाजा वाटर पार्क रिसोर्ट। भाई यहाँ पे वाटर पार्क भी है। नहाओगे दिल्लो वाटर पार्क में? नहा जाएगा। ये रहा बोर्ड, क्या लिखा है बोर्ड पर? जिला अलवर। अच्छा अलवर में आ गए, ये डिस्ट्रिक्ट अलवर होता है ना। इस पे लिखा अभी जो भानगढ़ लिखा है 6 किलोमीटर। देखो यहाँ पे भानगढ़ 6 किलोमीटर। अभी सीधे हम लोग 6 किलोमीटर जाएंगे तो आ जाएगा किला। रे तो सामने आ रहा है यार, ये गाय है बे। गाय है देख, ये सब गाय है यार। देखने में लग रहा है हमारे तरफ रहेंगे ना तो लगेगा बैल है सब, लेकिन ये असली में जो है गाय है। कैसे पता चल रहा है कि गाय है? यहाँ पे देख सकते हो पूरा मूर्तियाँ जो है वो बनाई जाती हैं, पत्थर की मूर्तियाँ हैं यार, गजब। जब हम VFA करते थे फाइन आर्ट तो ऐसे ही बनाया जाता था सब, हमारे कॉलेज के बगल में ही। याद आ गई मुझे। अभी कितना, 3 किलोमीटर अभी और जाना है हम लोगों को, 3 किलोमीटर। ये देख रहे हो व्यू। अरे यार इधर भी पानी खूब बरसे हैं लगता है। अरे दादा हट जा, अरे हट जा दादा। ये दादा, तो गाइज ये है भानगढ़ का एकदम मेन रूट। बस यहाँ से जो है 2 किलोमीटर दूरी पर किला है, और हमें जो है किला यहीं से दिखना स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का हमें दिख रहा है, शायद आप सबको दिख रहा होगा। तो फाइनली हम लोग जो है भानगढ़ में आ गए हैं। सामने हम लोगों के एकदम किला दिख रहा है हल्का हल्का, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। आप सबको चल के आराम से वहाँ पे दिखाते हैं, और देखते हैं कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है। जब तक खुला रहेगा तब तक पूरा एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आखिर किले में है क्या। और ये पूरा एकदम पहाड़ों के बीचों बीच है, चारों तरफ पहाड़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पूरा जो है पहाड़ है, ऐसे के बीच में जो है किला स्थित है। ये पहाड़ है, इसके साइड में जो है, अभी आपको दिखाते हैं इस साइड किला है। तब तक आप सब व्यू देखते रहो। ये देखो कितना खतरनाक जो है व्यू है। ये देखो राजस्थानी लोग, यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं, पहले से ही रुके हुए हैं, टिकट हो गया है ना। बाकी देखो अपने देश का शान जो है लहर रहा है, तिरंगा झंडा। ये है इतना सा किला। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से गाड़ी यहाँ से पार्क करके अब हम लोग पैदल जाएंगे वहां पे। आ जाओ चलो सब लोग। किला किधर है? किला वो है सामने, देखो किला दिखा रहा हूँ आप सबको जूम करके। ए भाई सामने सटो, ये देखो ये है किला, यहाँ पे हम लोगों को जाना है। तो गाइज हम लोग आ गए हैं फाइनली भानगढ़, और यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ है। ये है एंट्री गेट। तो गाइज यहाँ पे जो है टिकट लग रहा है, भैया गए हैं टिकट लेने। अब जितना देखो टिकट लगता है उसके बाद जो है हम लोग इधर आगे चलेंगे। तो फाइनली गाइज टिकट जो है हम लोगों को मिल चुका है। कितना है टिकट? 10। चलो अब यहाँ से जो है हम लोग एंट्री करेंगे। देखो गेट की एंट्री, 10 लोग हैं। गाइज हम लोग एंटर कर चुके हैं गेट के अंदर, अब जा रहे हैं किले की तरफ। नहीं भैया गाइड तो नहीं चाहिए, गूगल है अपना गाइड। कितना टिकट है, कितना दाम है? 25। बात ये है ना, ये सब पुरानी चीजें हैं इसलिए यहाँ की लगती हैं।
गाइस देखो एक और गेट है, मतलब एक नहीं यहाँ पे तीन गेट है, बाकी दो बंद है एक खुला हुआ है। डर लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम बोल सकते कुछ हो। ये देखो गाइस यहाँ पे मंदिर है और बाकी किला जो है वो आगे है। काफी लोग आ भी रहे हैं। छोटू तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है कि नहीं डर? बताओ किसके साथ हो? तो साथ रहो ना, अकेले मत रहो, साथ रहो, जाओ। फाइनली गाइस अब जो है आ गए हैं किले के अंदर, जा रहे हैं। ऊपर जाना है, ऊपर वे आर यू गोइंग बॉबी? किथे जा रहे हो? यहाँ से देखो डायरेक्ट जा सकते हैं नीचे। आ जाओ, ये है गुफा, यहाँ से जो है अंदर जाना है। यहाँ पे गजब का स्मेल आ रहा है। देखा देवी माता की मूर्ति का सामने, और सामने देखा। तो यही सब था। और बताओ भाई यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? मतलब बुद्ध जैसा कुछ लग रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है भाई। क्या भाई? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं भाई, यहाँ आके कुछ डरावना भूत जैसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल फिट। तब तो इंसान ने कंकाल है, चला डर से एकदम नॉर्मल हो गया है। एकदम नॉर्मल दिखा, लेकिन पसीना आ रहा है। हाँ, इतना ऊपर भाई चढ़ना था कि देख सकते हो सब पसीना छोड़ रहा, पसीना आ गया है। क्या लोग आके नाम लिख रहे हैं यहाँ पे? देख रहे हो गाइस, नाम लिख दिया भैया ने। अब रात में आने में मंजुलिका आएगी रात में। रवि इसमें आओ, थोड़ा अंदर काफी जगह है। चल तू, चल तू, चल आओ, आओ सुनो, आओ आओ, चलते हैं। कोई नहीं गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो आराम से। भाई पूरा अंधेरा है और चमगादड़ भी बोल रहे हैं। पागल, डरा मत। ये देखो ये अंदर का पूरा, इसमें जो है ना चमगादड़ बोल रहे हैं सब।
यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे जो है अंदर जाने का रास्ता है, गुफा है, जाके देख थोड़ा सा, सीढ़ी बना दो, जाओ देखो, कोई कोई देखे, अरे भाग, देखो यहाँ पे चमगादड़ कितना उड़ रहे हैं, मत जाओ भाई, निकलो 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 भाई, निकलो इधर रहो, इसमें भी गुफा है, देखिए इसमें यार लाइट बत्ती लगवा देनी चाहिए, पूरा अंधेरा है, एक मिनट हम लोग फेस लाके देख लेते हैं, तो गाइस हम सब ने आपको पूरा दिखा दिया किला, जितना है ऊपर से भी व्यू, नीचे से भी व्यू, अगल से भी व्यू, बगल से भी व्यू, यहाँ पर कुछ डराने वाली बात नहीं है, ऐसा ही है सब कुछ, मस्त फील है, गुड फील है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव वाइब्स तो है ही नहीं बिल्कुल भी, एकदम सब पॉजिटिव है, मजेदार है, आइए घूमिए मजा लीजिए, बहुत मस्त नज़ारा है यहाँ से, देखिए ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे का व्यू कितना शानदार है, देख रहे हो ये पहाड़ गजब, कहीं से भी लग रहा है भाई, यहाँ पे एक पॉइंट भी नेगेटिव वाइब है, एकदम लग रहा है भाई मस्त पॉजिटिव, ये देखो लग रहा है जैसे इंग्लैंड में है भाई, ये देखो कितने सारे कबूतर उड़ रहे हैं, पूरा किला गाइस मैंने कवर कर दिया, ये देखो इतना खूबसूरत नज़ारे को यार डरावना नज़ारा बना दिया, ये हम नहीं कहते हैं पूरा इंडिया कहता है, पूरा वर्ल्ड कहता है, मारो भाई उस पेड़ पे, देखना कितना सारा कबूतर बैठे हैं, हाँ अब उड़ेंगे सर, या उड़े सब, अरे हमारे गजब, तो गाइस यहाँ से अब हम लोग जो है नीचे को चल रहे हैं, पूरा किला घूम लिया है, बाकी ये यहाँ पे मंदिर है, पता नहीं ये भी उस जमाने का ही है शायद, एक यहाँ भी मंदिर है, यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी घूमने के लिए आए हैं, मतलब पूरा अब जो ये है टूरिज्म प्लेस बन चुका है, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे डर है या फिर ऐसा कुछ है, एकदम फीलिंग गुड, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे आने से, मतलब बिल्कुल भी ऐसा जो लगता है ना, पहले मैंने देखा था यूट्यूब पे कि भाई भानगढ़ का किला बहुत डरावना है ऐसा है, लेकिन आया तो एकदम नॉर्मल है, हर किले की तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में कई सारे किले हैं, तो फिर वैसा ही है एकदम, कोई डर नहीं, आओ घूमो मस्त से जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, देखो काफ़ी सारे लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, और हो सकता है शाम के टाइम थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, वीरान टाइप का है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो बैन लगाया है, तो गाइज पूरा किला हम लोग घूम चुके हैं, आप सबको दिखा भी दिए हैं, ब्लॉग को यहीं पे हम एंड करेंगे, और अब जा रहे हैं हम लोग जयपुर की तरफ, तो नेक्स्ट ब्लॉग आपको मिलेगा जयपुर का, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये देख के कैसा लगा, ठीक है आप आ सकते हो घूमने में, बढ़िया है, कोई डरावना और होना नहीं है, किरे सुनो बस डरावना कुछ है नहीं, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं सब कुछ, आ लोग आइए घूमिए मजा लीजिए, यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं घूमते हैं, तो फिलहाल के लिए बाय।